सुपारी देकर अपने ही बेटे की हत्या करवाई, पूछताछ में बेहोश हो जाती आरोपी माँ। मर्डर के लिए अजमेर के दो बदमाशों को दिए थे 2.5 लाख रुपए। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें, कानपुर में कपड़ा व्यापारी नदीम की 2.5 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या करने का मामला, उसकी माँ आरिफा व अजमेर के दो जनों को गिरफ्तार किया गया है। 4 जून को व्यापारी की गर्दन काट के बॉडी उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में कुएं में फेंक दिया था। व्यापारी के मामा ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। करीब 45 जवान पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ते हुए मामले का खुलासा किया। मामले की जानकारी देते बता दें कि एसपी दक्षिण प्रेमचंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मां आरिफा दुकान और मकान बेचना चाहती थी, इससे मिली रकम को किसी और को देना चाहती थी। इस बात का बेटा विरोध कर रहा था, जिसके कारण उसका मर्डर करा दिया गया। कानपुर के अहल अहमद रेजिडेंसी इक्तिहाबाद निवासी नदीम खां की अनवरजेत के कपड़ों की दुकान थी। 4 जून को वह दुकान पर गया था, वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने उसकी मां की तलाश शुरू की, गुमशुदगी दर्ज कराई। 5 जून को उन्नावा के अजगैन इलाके में कुएं में उसका शव मिला। सूचने पर नदीम परिवार वाले मौके पर पहुंचे। मां ने बेटे नदीम की रूप में बॉडी की पहचान की, हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई गई। नदीम के मामा ताहिर की तरफ से मामला दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस ने मामला मुकदमा दर्ज कर और मामले की पड़ताल की। पड़ताल में जो सुपारी देकर अपने की बेटे की हत्या करवाने वाली मां आरोपी सामने आई। मामले में मर्डर कराने के लिए अजमेर के दो बदमाशों को 2.5 लाख रुपए दिए थे, जिन्होंने 2.5 लाख रुपए लेकर उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर आरोपियों से पड़ताल कर रही है।